मोदी के काम की तारीफ करने वाले नेताओं से कांग्रेस अब निपटने लगी है। शशि थरूर को नोटिस थमाने के बाद सोनिया गांधी के करीबी वीरप्पा मोइली ने अब जयराम रमेश पर सीधा हमला किया है। वीरप्पा मोइली ने यूपीए की लकवा मार नीति के लिए जयराम रमेश को जिम्मेदार बता दिया। लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह की सरकार में लूट खसोट का खेल चलता रहा, लेकिन उनकी चादर कभी मैली नहीं हुई। उसी लूट खसोट का पोल आज खुल रहा है और चिदम्बरम जैसे कांग्रेस के बड़े नेता हवालात की हवा खा रहे हैं। इस लाइन में और भी हैं। खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हैं, लेकिन वीरप्पा मोइली यह सब भूल गए और जयराम रमेश पर हमला करने के चक्कर में विपक्ष के उसी आरोप का समर्थन कर बैठे जिसमें बीजेपी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां यूपी सरकार की कमजोर नीतियों और उसके क्रियान्वयन को दोष देते रहे। वीरप्पा मोइली ने सोनिया गांधी को खुश करने के चक्कर में शशि थरूर को भी लपेटा और कहा कि सत्ता पक्ष की तारीफ करने से विपक्ष की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल की तारीफ करने वाले जयराम रमेश के बयान को मोइली ने गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि बीजेपी या मोदी की तारीफ कर जयराम रमेश स्वयं से समझौता कर रहे हैं, मतलब कि मोदी की तारीफ करने वाले तीनों नेताओं जयराम रमेश, शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस अब निपटाने के मूड में है, लेकिन सिंघवी अभी भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे कांग्रेस के नेताओं की पैरवी कर रहे हैं, इसीलिए फिलहाल उन्हें छेड़ा नहीं जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।